सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की थी। वहीं अब गदर 2 की सफलता के बाद गदर 3 बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने खुद इस बात की पुष्टि की है। खबरों की माने तो जी स्टूडियो, अनिल शर्मा और सनी देओल के बीच कागजी कार्यवाही भी पूरी हो चुकी है। अब जल्द ही फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू होगा। पिंक विला से बात करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान अनिल शर्मा ने बताया कि फिल्म के पहले दौर की कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। गदर 2 की रिलीज के बाद ही फिल्म के मेकर्स ने गदर 3 की कहानी पर काम शुरू कर दिया था। बता दें कि गदर की पहले दोनों पार्टों की तरह तीसरे पार्ट की कहानी भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई पर आधारित होगी। हालांकि उनका कहना है कि इस बार की कहानी पहले से कुछ अलग होगी। फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू हो जाएगी। गदर 2 की कुल कमाई की बात करें तो फिल्म ने डोमेस्टिक लेवल पर 525 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये सनी देओल के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। अनिल शर्मा ने इंटरव्यू में बताया कि हाँ, तारा सिंह वापस लौटेंगे क्योंकि हमने गदर 3 का बेसिक आइडिया पहले ही तैयार कर लिया है। बहरहाल अभी मैं नाना पाटेकर और उत्कर्ष के साथ एक दूसरी फिल्म में काम कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मेरी अगली फिल्म गदर 3 होगी। मैं जल्द ही फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट पर काम करूँगा। गदर में तारा सिंह के बेटे जीत का किरदार निर्देशक अनिल के बेटे उत्कर्ष ने निभाया था। उत्कर्ष गदर 2 में सनी देओल के बेटे का किरदार निभाते हुए भी दिखाई दिए थे। गदर 3 में भी वो नजर आ सकते हैं। बता दें कि सनी देओल फरवरी में लाहौर 1947 की शूटिंग करेंगे। इसके बाद सनी फिल्म रामायण में अपने हिस्से की शूटिंग कर सकते हैं। वहीं 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का अगला पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। अब देखना होगा कि सनी देओल की ये फिल्में किस कदर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।